वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, वेनस सैटेलाइट के बारे में, जो कि एक माइक्रो सैटेलाइट है अर्थ की वेजिटेशन के लिए देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, फ्रेंच और इजरायली स्पेस एजेंसी के जो है मेमोरेंडम से बनाई गई है, ठीक है। फिर हमने एस्ट्रोसैट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मेटेओर्स या मेटेरॉइड्स के बारे में, ठीक। अब मेटेरॉइड्स होते क्या हैं? तो हमारी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स, गैलेक्सीज और जो है बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो मेटियोर भी एक तरीके का सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किससे कंपोज है, किससे बना हुआ है, डस्ट और गैसेस से। तो जब मेटियोर या फिर मेटेरॉइड हमारे अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वो अर्थ के तरफ जो है ट्रैवल करने लगता है बहुत तेज स्पीड से, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से वो क्या करता है, अर्थ के एटमोसफियर में घुसता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर और इन सब के डिफरेंस की वजह से और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है, वो क्या होता है उसमें एक तरीके का प्रकाश हो जाता है या फिर वो प्रकाश में हो जाता है या फिर हम कहेंगे उसमें आग लग जाती है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और उसको हम कहते हैं शूटिंग या फॉलिंग स्टार, ठीक है। जब आप हम देखते हैं ना कोई टूटा तारा दिखता है हमें, बहुत हाई स्पीड से जा रहा होता है, चमकदार प्रकाश में दिखता है, तो वो यही होता है, वो एक मेटेरॉइड होता है जिसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा प्रेशर, उसकी स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो ल्यूमिनस हो जाता है, मतलब प्रकाशमय हो जाता है। अब हमें इतनी दूर से तो उसकी आग नहीं दिखेगी, रोशनी ही दिखेगी, तो उसमें एक आग लग जाती है जिसकी वजह से वो प्रकाशमय हो जाता है, लाइटन अप हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं शूटिंग या फॉलिंग स्टार, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, शूटिंग या फॉलिंग स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेटियोर का, ठीक है। ऑफन अ मेटियोर गेट बर्न्स टू एशेस बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस विच इज कॉल्ड मेटियोरॉइड। अब जब भी देखिए, अब ऐसे तो कोई भी चीज एंटर करेगी वो धरती पे गिरेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बट क्या होता है कि उसमें आग लगने की वजह से जब तक वो धरती पे पहुंचता है, धरती की सतह पे पहुंचता है, सरफेस पे पहुंचता है, तब तक क्या होता है वो एशेज में तब्दील हो जाता है। क्या होता है उसके, मतलब पूरा ही जल चुका होता है, उसकी केवल राख बची होती है, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम लगभग क्या कहेंगे, उस फॉर्म को हम मेटियोरॉइड कहते हैं, ठीक है। जब कोई मेटियोर क्या हो जाता है, पूरा जल जाए, बर्न टू एशेज बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस, धरती की सतह पे पहुंचने से पहले कोई मेटियोर जब पूरा बर्न हो जाता है, जल जाता है, केवल उसकी एशेज बची होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटियोरॉइड। बट सम ऑफ द मेटियोर बिकम एबल टू बियर द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन एंड सक्सेसफुली फॉल्स टू द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मैटर रॉक्स, दे आर कॉल्ड मेटियोराइट्स। अब मेटियोराइट्स क्या होता है, देखिए सारे के सारे तो नहीं जल जाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जो फ्रिक्शन को, प्रेशर को, इन सबको बियर कर जाए और धरती की सतह तक पहुंच जाए, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में पहुंचते हैं, वो रॉक की फॉर्म में पहुंचते हैं, छोटे सॉलिड मैटर्स की फॉर्म में पहुंचते हैं, ठीक है। और इस जो है सॉलिड मैटर या रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स, ठीक, क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स, ठीक। तो मेटियोर क्या हो गया, जो सेलेस्टियल बॉडी, पहली बात सबसे पहले ये क्या है, ये देखिए कि सेलेस्टियल बॉडी है जो कि डस्ट और गैस से भरी हुई है, ठीक है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत हाई स्पीड हो जाती है इनकी जब ये एंटर करते हैं अर्थ में, ठीक है, अर्थ के सर्फेस में जब एंटर करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा, इनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है और फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है, ठीक है, और ये ल्यूमिनस हो जाते हैं यानी प्रकाशमय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रकाशमय, ठीक। इस समय इनको क्या बोला जाता है, शूटिंग या फॉलिंग स्टार। जब तक ये धरती की सतह पे पहुंचते हैं तब तक क्या होता है, ये पूरे जल चुके होते हैं, केवल राख बची होती है, उस फॉर्म के हम क्या बोलते हैं, मेटियोरॉइड, क्या बोलते हैं, मेटियोरॉइड। बट कई बार ऐसा होता है, कई मेटियोर्स ये एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन जो है बियर कर ले जाते हैं, मतलब सह जाते हैं, और क्या होता है, सक्सेसफुली वो अर्थ के सर्फेस पे, धरती की सतह पे पहुंच जाते हैं, किस फॉर्म के रूप में, सॉलिड मैटर या रॉक्स के रूप में, ठीक है। और उस समय इनको क्या बोला जाता है, उस समय स्टूडेंट्स इनको बोला जाता है मेटियोराइट्स, क्या बोला जाता है, मेटियोराइट्स, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेटियोर, उसके बारे में डिटेल में हमने जान लिया
कल आगे के सेशन में हम पढ़ेंगे कॉमेट्स के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।